Again, write a C program to accept number from the users using keyboard till their sum exceeds 50. इसे similar task का problem previous session में discuss किया था, just as a program 24. But in that case, we want to discussing इसे number इस case में enter कब तक करना, जब तक इनका sum 50 को exceed नहीं करता, 50 और 100 और maybe any values. What is mean by this program or expected outputs? Means previous case में inputs fixed थे always. Means exactly कितने number read कराना था? N numbers in previous applications. N numbers के cases में इनका sum display कराना था. But in that case, means इस case में ऐसा कोई fixed नहीं रहेगा. आपको operation n time read करना. In that case, suppose that first time मैंने enter किया something 10, then next time enter किया 20. दोनों का sum कितना हो रहा है? इस टाइप से कंसीडर करें 0 प्लस 10 प्लस 20 एस 30 देन अभी भी इसका सम कैसा है लेस देन 50 नेक्स्ट टाइम मैंने एंटर किया एज अ 30 नेक्स्ट टाइम अभी भी सम क्या है इसका 30 और वी कैन सी वी आर एंटरिंग समथिंग 15 अभी भी इनका सम कितना आ रहा है 45 अगेन 50 से लेस है देन सपोज दैट वी आर एंटरिंग 10 एंटरिंग 10 इस केस में 10 को ऐड तो कराएंगे लेकिन ऐड कराने के बाद इसका सम क्या हो जाएगा 55 इज नॉट लेस देन 50 कंडीशन बिकम फॉल्स जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा रीड करना स्टॉप करा दें इमीडिएटली डिस्प्ले क्या कराएंगे सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स लेकिन इस केस में टोटल इनपुट्स कितने रीड हुए देयर आर 4 इनपुट्स दूसरा पॉसिबल केस क्या है अगेन वी आर एंटरिंग सम नंबर फर्स्ट टाइम वी आर एंटरिंग समथिंग 15 नेक्स्ट टाइम एंटर किया हमने समथिंग In second inputs or second terms, we are entering value as 40. 40 plus 15. Sum kya raha iska again? 55. Again, ye sum kaisa less than, greater than 50. Condition become false. Jaise condition false ho, immediately stop kar de. Lekin is case mein inputs kitne read hue? Only 2 inputs. Jabki previous case mein input kitne read down kiye the 4. Same ho sakta number enter kiye like that. 1. First time enter kiya 1. 0 plus 1. प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 इन सभी नंबर्स का एडिशन क्या रहा है 3 प्लस 3 6 प्लस 4 इज 10 15 21 28 36 45 एंड 55 सम क्या रहा है इस केस में 55 अगेन इसका सम 55 हो चुका है लेकिन इसका देन अगेन कंडीशन बिकम फॉल्स मींस सम इसका 50 मींस 50 से छोटा है बड़ा हो चुका है मींस कंडीशन फॉल्स हो चुका है इसलिए रीड करना स्टॉप कर लेकिन इस केस में टोटल इनपुट्स कितने रीड किए हैं 10 मींस फाइनली इसका मीनिंग क्या है इस केस में हो सकता है सिंगल इनपुट रीड हो सकता है 5 और 10 इनपुट सीट डाउन हो लेकिन इस केस में रीड कब तक करना जब तक सम 50 से ज्यादा नहीं हो जाता है क्लियर देन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट रिक्वायर्ड केस क्या रहेगा एवरी टाइम व्हाट इज द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग एवो मेंशनड प्रॉब्लम इस केस में आपको रन टाइम पर एन रीड करने की जरूरत नहीं सिंपली रीड डाउन क्या कराएंगे एवरी टाइम सम आइटम्स प्लस आइटम के केस में इसका सम हमेशा किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल में मैनेज करेंगे वॉइड मैन प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस इस केस में इटरेटिव वेरिएबल आई की भी नीड नहीं होगी क्योंकि आई कब यूज करेंगे जब नंबर ऑफ इटरेशंस फिक्स्ड हो इन दैट केस सिंपली इंटीजर नंबर कॉमा सम एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ सम इज 0 डायरेक्टली राइट डाउन क्या करें व्हाइल कंडीशंस वी आर प्रोवाइडिंग व्हाइल कंडीशन व्हाइल सम इज लेस देन और इक्वल्स टू 50 जब तक इस वेरिएबल सम का वैल्यू 50 से छोटा है इक्वल है तब तक ये ऑपरेशंस परफॉर्म कराना है और सिंपली वी कैन से ओनली लेस देन 50 नॉट अ इक्वल्स लाइक दैट देन इस केस में एवरी टाइम नंबर के लिए वैल्यू रीड कराएंगे इस टोटल टू वेरिएबल्स क्रिएट हो रहा है नंबर कॉमा सम इनिशियल वैल्यू ऑफ सम इज 0 इनिशियल वैल्यू ऑफ नंबर इज गार्बेज देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या रीडिंग वैल्यूज फॉर नंबर मींस प्रिंट एफ और पोर्ट्स एंटर नंबर नंबर रीड डाउन करने जस्ट वन नेक्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप क्या रीडिंग नंबर रीड किसके थ्रू करें बाय यूजिंग स्कैन एप परसेंट ई एम परसेंट ऑफ नंबर सपोज दैट फर्स्ट टाइम वी आर एंटरिंग नंबर एज 10
इनिशियली मीन से स्कैनएफ के अकॉर्डिंग नंबर का वैल्यू क्या समझा 10, देन इसका जो भी एंटर नंबर इस सम इसका मैनेज केस में करें इनसाइड वेरिएबल सम, देयरफॉर वी आर राइटिंग सम इक्वल्स टू एग्जैक्टली सेम स्टेप सेम एज प्रीवियस सम प्लस नंबर और समथिंग एक्स वट एवर। सम का इनिशियल वैल्यू क्या करंटली 0, नंबर का वैल्यू क्या इस केस में 10, 0 प्लस 10 सम इज 10 अगेन असाइन टू द वेरिएबल सम, रियल केस में असाइन हो रहा वेरिएबल सम के फॉर्म बाय यूजिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेशन, देयरफॉर वैल्यू ऑफ सम बिकम्स 10। नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्ट हुआ, कंडीशंस के केस में क्या है सम लेस देन 50 फाइल कंडीशन, सम का वैल्यू करंटली 10 है, 10 लेस देन 50 कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट टाइम अगेन फिर से एंटर हुआ बॉडी एग्जीक्यूट, बॉडी के अकॉर्डिंग परफॉर्म क्या हो एंटर नंबर, नंबर एंटर किया यूजिंग स्कैनफ अगेन समथिंग 25, इसलिए नंबर का न्यू वैल्यू क्या हो जाए 25 के रिस्पेक्ट में। जस्ट अगेन फिर से सम परफॉर्म हुआ तो सम के प्लेस पर क्या करंट वैल्यू ऑफ सम, करंट वैल्यू ऑफ सम इज 10, देयरफॉर वी आर एंटरिंग 10 प्लस नंबर के प्लेस पर क्या आएगा करंट वैल्यू ऑफ नंबर विच इज 25, सम इज 35, सम अगेन फिर से आसानी किस में जाए वेरिएबल सम में, अब वैल्यू ऑफ सम बिकम्स 35। नेक्स्ट टाइम अगेन वी आर एंटरिंग समथिंग, फिर से कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन के केस में क्या सम 35, वैल्यू ऑफ सम इज 35, देन कंपेरिजन किस हो रहा 50 से, अगेन कंडीशन ट्रू है, फिर से बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट अगेन एंटर नंबर, नेक्स्ट टाइम वी आर एंटरिंग समथिंग वैल्यू एज नंबर इज 8, 8 इज असाइन टू द वेरिएबल नंबर। नेक्स्ट टाइम अगेन सम इसे एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो तो उस केस में एक्सप्रेशन के अंदर सम के प्लेस पर राइट डाउन करें वैल्यू ऑफ सम विच इज 35, 35 प्लस वैल्यू ऑफ नंबर विच इज 8, 35 प्लस 8 इज दोनों का सम क्या रहा 43, देन अगेन इस सम केस में असाइन हो जाए वेरिएबल सम के फॉर्म में, नाउ वैल्यू ऑफ सम बिकम्स 43। नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्टिंग, फिर से कंडीशन टेस्ट होगा तो कंडीशन के केस में सम के प्लेस पर राइट डाउन करें वैल्यू ऑफ सम विच इज 43 लेस देन 50 कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है देन अगेन फिर से बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हो बॉडी के अकॉर्डिंग एंटर नंबर, नेक्स्ट टाइम स्कैन ऐप के ये थ्रू मैंने एंटर किया नंबर है 10, नंबर 10 के केसेस में परफॉर्म क्या कराएंगे सम के केस में 10 एंटर केस में हुआ है वेरिएबल नंबर के फॉर्म में, अगेन इसे एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करें तो सम के प्लेस पर क्या आएगा करंट वैल्यू ऑफ सम, करंट वैल्यू ऑफ सम इज 43 प्लस नंबर, वैल्यू ऑफ नंबर इज 10, सम इज 53 आसानी किस में जाएगा अगेन वेरिएबल नंबर, नंबर का सम का वैल्यू क्या हो जाएगा 53, अगेन कंट्रोल सेंड हुआ कंडीशन टेस्टिंग 53 लेस देन 50 कंडीशन बिकम फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होने के जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ सेंड होगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, जैसे इस केस में कंडीशन फॉल्स होगा प्रीवियस केसेस में ट्रू होने पर कंट्रोल कहाँ सेंड हो रहा था इनसाइड बॉडी, बट इन दैट केस कंट्रोल सेंड आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाद जस्ट डिस्प्ले करा लेंगे टोटल और सम, टोटल सम किस कितना स्टोर करेंटली परसेंट डी अवेलेबल इन साइड वेरिएबल सम वैल्यू इज 53, इसलिए करंट केस में इसके एंटर्ड इनपुट्स के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या डिस्प्ले हुआ इस केस में 53। दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम कंप्लीटेड।